अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा है कि भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है। वर्ष 2023 की ग्लोबल ग्रोथ में अकेले 15% का योगदान भारत देगा। वहीं ग्लोबल ग्रोथ में इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमीज की हिस्सेदारी करीब 80% होने की उम्मीद जताई है। जॉर्जीवा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को महामारी से बाहर निकाल लिया। जॉर्जीवा ने कहा कि भारत का प्रदर्शन काफ़ी प्रभावशाली है। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ 6.8% बरकरार रहेगी। वित्त वर्ष 24 अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के लिए हम 6.1% का अनुमान लगा रहे हैं, जो दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तरह थोड़ा धीमा है, लेकिन वैश्विक औसत से काफ़ी ऊपर है। जॉर्जीवा ने भारत के ब्राइट स्पॉट होने के 3 कारण बताए हैं। भारत ऐसे समय एक ब्राइट स्पॉट बना हुआ है जब IMF ने 2023 में ग्लोबल ग्रोथ को पिछले साल के 3.4 से घटाकर 2.9% कर दिया है। जॉर्जीवा ने कहा कि भारत एक ब्राइट स्पॉट क्यों है, इसके 3 कारण। पहला कारण है कि महामारी के प्रभाव पर काबू पाने और विकास और नौकरियों के अवसर पैदा करने के डिजिटलाइजेशन पर काम किया है। दूसरा कारण है कि भारत की फिस्कल पॉलिसी आर्थिक स्थितियों के प्रति रिस्पॉन्सिव रही है। नए बजट से अच्छे सिग्नल मिलते हैं। भारत ने महामारी के कठिन समय से उबरने के लिए बहुत मजबूत नीतियों को लागू करने में संकोच नहीं किया है। जॉर्जीवा ने कहा है कि मैंने विशेष रूप से नोटिस किया है कि भारत ग्रीन इकोनॉमी में निवेश पर कितना ध्यान दे रहा है, जिससे देश को क्लीन एनर्जी की ओर शिफ्ट करने और विकास को जारी रखने की क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है।